हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी मंथर 21 में आपका स्वागत है। दोस्तों देखिए, कई दिनों से वीडियो नहीं आ पाई उसके लिए क्षमा चाहता हूँ, परंतु आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी लेके आया हूँ। जो भी भाई जेल वार्डर की सेलेक्ट हो चुके हैं उनके लिए भी, और जिनके साथ ही अभी सेलेक्ट नहीं हुए हैं और जो भाई हमारे जेल वार्डर में सेलेक्ट होने से रह गए हैं उनके लिए भी एक बहुत बड़ी खुशखबरी मैं लेके आ रहा हूँ। देखिए, फिर से आ रही जेल वार्डर की 1500+ भर्तियाँ। देखिए, ये जो जानकारी है ये अभी आपको नहीं मालूम चलेगी, क्योंकि ये अभी विभागीय जानकारी है, जो कि रिक्तियों के बारे में जैसे जानकारी होती है कि भाई कितने पद कहाँ पे खाली हैं। जैसे कि अभी एक ब्यौरा आया था अखबार में, आपने देखा था कि उसमें बताया गया था 25,000 वैकेंसी उत्तर प्रदेश पुलिस में पद खाली हुए हैं, तो वे वैकेंसी भी भरी जाएंगी। तो मतलब उनकी एक तो वो वैकेंसी आनी 25,000 वाली, और एक बड़ी खुशखबरी आपके लिए मैं लेके आया हूँ कि जेल वार्डन में फिर से 1500+ वैकेंसी आने वाली है। जी हाँ भाइयों, ये बात बिल्कुल सही है, और आप जिन जो आपके साथी जेल वार्डन में सेलेक्ट हुए हैं आप उनसे भी पता कर सकते हैं कि लगभग कई जगह ये मालूम हो गया है सभी को कि भैया वैकेंसी और भी आ रही हैं, और 1500+ वैकेंसी ये होने वाली हैं, जिसमें कि आपको जेल वार्डर के लिए वैकेंसी होंगी, और फायरमैन और घुड़सवार के लिए अभी इसमें नहीं बताया गया कि उनकी कितनी वैकेंसी होगी, और जैसे ही इसके बारे में मुझे जानकारी मिलेगी मैं आपको उसके लिए भी एक वीडियो में बना के आपको जानकारी दे दूंगा। ठीक है, जैसे कि आपको फिर मैं बताने वाला हूँ ट्रेनिंग के बारे में भी। देखिए, सबसे पहले बात करें जेल वार्डर की भर्ती के बारे में, इसमें महिला और पुरुष दोनों के पद निकलने वाले हैं फिर से एक बार। ठीक है, अभी ये इस साल तो नहीं मिलेंगी आपको देखने के लिए, पर 2022 में आपको ये वैकेंसी देखने को ज़रूर मिल जाएंगी, क्योंकि 2021 में तो अभी ये वाली वैकेंसी पूरी हुई है, इसके बाद 2022 में ये वैकेंसी आपको देखने को जरूर मिलेंगी। इसके बाद बात करें देखिए ट्रेनिंग के बारे में, ट्रेनिंग का आपने आप सभी को पता है जिनका सिलेक्शन हो चुका है, कुछ भाइयों की तो ट्रेनिंग मतलब एकदम 45 दिन की जो ट्रेनिंग होनी थी जेल पे वो चालू हो चुकी है, कुछ जगह नहीं हुआ है ऐसा। लखनऊ में एक लखनऊ की जेल पे ऐसा भी हो रहा है कि वहाँ पे अभी उनसे संडे में लीव भी दी गई है। अभी मेरे एक दोस्त से बात हुई थी, वो बता रहे कि भाई संडे में लीव मिली है, और क्या बोलते हैं पीटी वगैरह करा रहे हैं, शर्मदान वगैरह थोड़ा बहुत कराते हैं, और बाकी ड्यूटी वगैरह इतनी कुछ खास लगाया नहीं है हमारी अभी तक। तो अलग अलग जगह देखिए ड्यूटी वगैरह का तो अलग अलग जगह शेड्यूल है। देखिए डिस्ट्रिक्ट जेल बरेली की बात करें तो यहाँ पर लगभग 80% या 70% करीब स्टाफ जाने वाला है, तो यहाँ पर क्या होने वाला है कि जो नया स्टाफ आया उसको ड्यूटी इसी कारण दी जा रही है। एक तो वो एक्सपीरियंस हो जाएगा उनको कि भाई किस तरीके से हमें ड्यूटी करनी है आगे, और अगर मान लीजिए अगर कुछ बच्चे ट्रेनिंग पे जाते हैं और सब नहीं जा पाते हैं एक जेल के, तो कुछ लड़कों को ज्ञान होगा कि भाई ड्यूटी कैसे करनी है, किस तरीके से हमें सिखाया जा रहा है, वो लोग यहीं पर ट्रेंड हो जाएंगे लगभग आधे। तो ट्रेनिंग उनकी सबकी होगी, पर अभी 45 दिन तो अभी आपकी ट्रेनिंग नहीं होने वाली है, लगभग 15 अक्टूबर के बाद आप लोग ट्रेनिंग पर जाने शुरू हो जाएंगे। ये जानकारी अभी तक आई थी जो मैं आपको बता रहा हूँ। इसके अलावा देखिए, आप बात करें कि भैया आवास वगैरह की, अभी एक दो क्वेश्चन मैंने सुने थे किसी के मुँह से, और सबसे मेन चीज़ मैं आपको बता दूँ, देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपसे करने वाला हूँ जो कि जेलर साहब द्वारा हमें बताई गई है। देखिए जैसे एग्ज़ाम की बात कर लें कि जिन भाइयों ने एग्ज़ाम वगैरह भरे हैं कि मेरा एग्ज़ाम SI का है तो मैं क्या करूँगा, मेरे को छुट्टी मिलेगी या नहीं मिलेगी, NOC के लिए आपको कब अप्लाई करना है कब नहीं करना है। NOC का मतलब होता है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, वो आपको एक एप्लीकेशन जब आप लिख के देते हो तो ताकि वो जब आपका एग्ज़ाम वगैरह हो तब आप आराम से छुट्टी मिल सके आपको, उसके लिए होता है NOC। NOC से फ़ायदा अभी मैं आपको पूरा बता देता हूँ। देखो स्टार्टिंग से शुरू करते हैं, सबसे पहले अगर मान लीजिए आपने SI का एग्ज़ाम भरा है, ठीक है, या आपने PET का एग्ज़ाम भरा है, या आपने आपको देना है अभी लेखपाल का एग्ज़ाम, तो उसके लिए क्या होने वाला है। देखिए SI का एग्ज़ाम का फॉर्म आप पहले ही भर चुके हैं, तो उसके लिए आपको कोई NOC फॉर्म लेने की ज़रूरत नहीं है। आप एग्ज़ाम के दिन पर जैसे ही आपको डेट निश्चित हो जाएगी कि आपका एग्ज़ाम मान लीजिए 20 अक्टूबर को है या 25 अक्टूबर को है, जिस दिन की भी तारीख आपको ये निश्चित जाएगी कि भाई हाँ मेरा इस दिन एग्जाम होने वाला है, उस दिन आप जाके अपनी एक एप्लीकेशन दे दें कि सर मेरे को मतलब फला फला तारीख में मेरी ज्वाइनिंग है, ज्वाइनिंग नहीं आपका मतलब एग्ज़ाम है, और सर मेरे को एग्ज़ाम देने जाना है, तो उसके लिए आपको छुट्टी मिल जाएगी। पर इसके उपरांत अब आप जितने भी भविष्य में फॉर्म भरने वाले मान लीजिए, चाहे उसमें लेखपाल हो या फिर आने वाली जो भी वैकेंसी है उत्तर प्रदेश पुलिस की या कुछ भी वैकेंसी है, या PCS या UPSC आप करना चाहते हैं, तो फॉर्म भरते समय जिस दिन आप फॉर्म भरेंगे उस दिन ही आप NOC अपना ज़रूर वहाँ पे जमा कर दें, मतलब एक एप्लीकेशन वहाँ पे अपने अधीक्षक को महोदय को लिख दें कि सर मैंने इस अपने इस पोस्ट के लिए तैयारी की कर रहा हूँ और मैंने इसके लिए मतलब अप्लाई कर दिया है, और जब भी मतलब एग्ज़ाम होगा उसके लिए मुझे छुट्टी या मतलब उस दिन मेरे को लीव चाहिए होगी। इस मतलब जो भी जानकारी है एप्लीकेशन किस तरीके से लिखनी है ये आपको पता चल जाएगा आपके विभाग से, आपके विभाग में जैसे भी आपको बताया जाएगा किसके लिए आपको एप्लीकेशन लिखनी है, वैसे तो वो अधीक्षक महोदय के लिए ही होती है, जो आपके सुपरिटेंडेंट है जेल के उनको ही आपको वो लिखनी होगी। ठीक है,
तो उसमें क्या होगा, देखिए नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आपको मतलब NOC मिल जाएगी। उससे क्या होता है, जैसे आपका एग्ज़ाम मान लीजिए आपने फॉर्म तो भरा है अब सितंबर में, और आपका एग्ज़ाम होगा दिसंबर में। दिसंबर में कुछ आपको ड्यूटी वगैरह ज़्यादा लगी हुई है सभी की, परंतु आपको अगर आपने NOC के लिए अप्लाई किया हुआ है पहले से ही, तो आपको छुट्टी ज़रूर मिलेगी, चाहे आपकी छुट्टी पूरी हो चुकी हो या बची हुई हो, उस दिन आपको एग्ज़ाम के लिए छुट्टी ज़रूर मिलेगी। जैसे होता है ना, कई बार बोलते हैं कि भाई छुट्टियाँ नहीं मिलती जेल वार्डन, उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए स्टाफ इस टाइम बहुत ज़्यादा आ चुका है सभी जेल पर, तो जो पुराना स्टाफ है उनको भी छुट्टियाँ मिलेंगी, ज़रूर मिलेंगी। और जो नए वाले कैंडिडेट हमारे साथी आए, उनमें से कई लोग तो हमारे साथ के ऐसे हैं जो छुट्टी जा भी चुके हैं, दो तीन दिन के लिए, किसी का एग्जाम था या किसी का इलाज चल रहा है या किसी की मतलब तबीयत खराब हो गई है या किसी के यहाँ कोई गुजर गया है, तो उनको छुट्टी टाइम से मिल गई है। ऐसा कुछ इशू नहीं है कि भाई उनको चिक चिक करवाइए कि नहीं छुट्टी नहीं दी जाएगी, छुट्टी सभी को दी जा रही है और इसमें कोई भी दिक्कत उनको देखने को अभी तक हमें नहीं मिली है। देखिए अन्य जेलों का अभी विवरण क्या है वो आप लोग हमको जरूर कमेंट करके बताइए कि आपके यहाँ पे अगर छुट्टी अगर आपको मिल रही है या नहीं मिल रही है, दिक्कत क्या परेशानी आ रही है, ठीक है। इसके अलावा बात करें, देखिए NOC आप ले लेंगे तो उसके बाद आपको कोई भी एग्ज़ाम देना है तो उसके लिए पहले से ही वो बाध्य होंगे आपको छुट्टी देने के लिए। और जैसे कि आपने एग्ज़ाम भरा हुआ है कि SI का आपको एग्ज़ाम देना है, उसके लिए आप एप्लीकेशन दे दें नॉर्मली अभी जाके, जिस दिन आपकी एग्ज़ाम की डेट कंफर्म हो जाए कि सर मेरी इस डेट में एग्ज़ाम है, और आपको एक दिन पहले छोड़ दिया जाएगा और नेक्स्ट डे आपको आके अपना ज्वाइन करना होगा एग्ज़ाम देने के बाद, ठीक है। इस तरीके का आपको एक एप्लीकेशन लिखना होगा, ठीक है दोस्तों। ट्रेनिंग की बात करें, 45 दिन के लगभग में आपकी ये जो नॉर्मली ट्रेनिंग चल रही है आपकी, जो PT VT उसमें हो रही है आपकी, इसके बाद आपको सीधे ही ट्रेनिंग के लिए भेजना शुरू कर देंगे। देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपके यहाँ पे अभी तक इन्फॉर्मेशन नहीं आई है तो कोरोना की दोनों वैक्सीन लगवानी बिल्कुल कंपलसरी है आपको। अगर आपके यहाँ पे कोवैक्सीन लग पा रही है तो कोवैक्सीन लगवा लीजिए, क्योंकि कोवैक्सीन के जो दोनों डोज हैं वो एक महीने के अंदर पूरे हो जाते हैं। और आपको अपनी स्लिप, जिसने भी अगर अभी जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया है, जिसने ज्वाइन कर लिया सभी को बता रहे हैं, अपनी स्लिप आप cowin.in पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं और उसको निकाल के आपको अपने विभाग में जमा करना होगा। इससे क्या होगा, ये जो आपका सारा विवरण है कोविशील्ड या कोवैक्सीन जो आपने वैक्सीन लगवाई है, ये सब लखनऊ में जाएगा, तभी आपको वहाँ से एक लिस्ट तैयार हो जाएगी कि इन कैंडिडेट को आपको लखनऊ भेजना है ट्रेनिंग के लिए, ठीक है। सबसे पहले वही लोग जाएंगे जिनकी वैक्सीन वगैरह लगी होगी टाइम से, ठीक है। और इसके बाद बात करें कि भाइयों खाने की व्यवस्था, देखिए लगभग सभी के यहाँ से एक ही जानकारी आ रही है कि मैस कहीं भी ऐसे नहीं हुए, ठीक है। मैस ना ही बने तो ज़्यादा बेटर होता, क्योंकि कुछ लोगों की अभी शादी नहीं हुई है, कुछ की शादी हो जाएगी तो फिर मैस में ही दिक्कत आएगी। मान लीजिए आपने अभी अपने 50 लड़कों के लिए या 100 लड़कों के लिए मैस शुरू भी करवा ली है, तो फिर धीरे धीरे घटते घटते वो संख्या कम रह जाएगी और खर्चा उतना ही आना है, सभी बर्तन वगैरह सब कुछ उतना ही खर्चा हो जाएगा। इसलिए सबसे बढ़िया ये रहेगा कि आप अपना गैस सिलेंडर वगैरह इंडक्शन वगैरह खरीद लें, ताकि आपको कोई भी दिक्कत परेशानी ना हो, ठीक है। अगर आपको खाना बनाने में परेशानी हो रही है तो देखिए घर वालों से हमारे यहाँ तो साफ कह दिया गया है, घर से किसी को भी बुलवा लीजिए, अपने साथ रखिए और खाने वाने की व्यवस्था भैया आपको स्वयं ही करनी होगी। ऐसा कोई भी कार्य नहीं हो जो आप नहीं कर सकते हैं अकेले, इस तरीके की बात हमसे तो बताई गई है। और देखिए ड्यूटी से एक आपको एक सतर्क करने वाली एक बात यह बता दी जाए कि देखिए ड्यूटी से संबंधित कोई भी जानकारी अपनी, कि आपकी ड्यूटी अंदर किस तरीके से लग रही है, आपको क्या काम करना पड़ रहा है, इस तरीके की कोई भी जानकारी आप बाहर के किसी भी व्यक्ति से साझा ना करें। जेल के अंदर कोई भी इंफॉर्मेशन आप अपने किसी भी जानकारी किसी भी व्यक्ति के साथ साझा ना करें, ठीक है। इससे क्या होगा, आप एक तो आपकी प्राइवेसी भंग हो जाती है और उसमें आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है कि आपने कि जेल की प्राइवेसी को भंग किया है, ठीक है। दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी, क्योंकि देखिए जेल वार्डर की जो कैंडिडेट हमारे भाई सेलेक्ट नहीं हो पाए हैं उनके लिए तो बहुत ही बड़ी खुशखबरी की बात है। लगभग 2000 कैंडिडेट हमारे सेलेक्ट नहीं हो पाए थे, तो वो अगले आने वाली 1500 वैकेंसी में आराम से कॉम्पीट कर पाएंगे, ठीक है। आशा करता हूँ आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। देखिए वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइए। दोस्तों चैनल की सब्सक्राइब ग्रोथ बिल्कुल रुक चुकी है, एक भी सब्सक्राइबर नहीं बढ़ पा रहा है, तो आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि दोस्तों जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को फैलाएँ और अपने दोस्तों से कहें कि भैया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैं आपसे बस इतनी आशा करता हूँ, और कोई भी जानकारी ऐसे निकल के आएगी तो आपके लिए सबसे पहले मैं लेके जरूर आऊँगा। जय हिंद दोस्तों।